बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है न्यूरोलेशन को। न्यूरोलेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह डिफ़िकल्टीज नहीं होगी आप लोगों को। न्यूरोलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस का पहला पोर्शन है जिसमें हम ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑर्गन हमारे पास जो बनता है वो ब्रेन का पोर्शन शुरू हो जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शुरू कर देते हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है जिसमें हमने ट्रिप्टोब्लास्ट में डिस्कस किया था। एक तो हमारे पास एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म, उसमें तीन हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक्टोडर्म के एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है जिसमें एक नोब होता है, और इसी तरह ये एक्टोडर्म का पोर्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कैसे कन्वर्ट होता है? ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो ये नोब है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्रेन फॉर्मेशन, और ये जो टेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्पाइनल कार्ड। और ये इस तरह ये थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने टू डायमेंशनल इसको काट दिया जिसको आपको मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि ये थ्री डायमेंशनल इस तरह एक राउंड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एक्टोडर्म, हम आज जो हमारा लेक्चर है वो न्यूरोलेशन है जो कि एक्टोडर्म से बनता है, और वो इस तरह होता है कि जब आप एक्टोडर्म को देखते हैं तो ये हमारे पास इजी डायग्राम से मैं आपको समझा सकता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म, जिसका नीचे है मीजोडर्म और फिर है एंडोडर्म। एक्टोडर्म के तीन पोर्शन होते हैं, राइट इस साइड पर भी और इस साइड पर, यानी मिड में, जो मिडल ये जगह है ये वाली जगह स्पाइनल कार्ड के लिए कन्वर्ट हो जाएगी। अब तीन पोर्शन इस तरह है, ये जो है नॉन न्यूरल एक्टोडर्म है ये, और ये जो है मार्जिन जहां पर ये न्यूरल एक्टोडर्म और ये नॉन न्यूरल एक्टोडर्म, और ये जो है न्यूरल प्लेट बॉर्डर। अब ये न्यूरल प्लेट बॉर्डर और न्यूरल एक्टोडर्म ये क्या बनाएगा? ये आपके पास बनाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, यानी ये दोनों नर्वस सिस्टम को बनाएंगे। ये कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। ये जब इस तरह इन्विजिनेट हो जाते हैं, इस तरह आप देखिए, ये है नॉन न्यूरल और ये भी नॉन न्यूरल, ये है आपके पास न्यूरल और ये क्या है बॉर्डर्स, तो ये इस तरह हो जाएंगे। अब ये देखिए, इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। ये देखिए आपके पास नोटोकॉर्ड बन चुका है, ये नोटोकॉर्ड हो जाता है। ये जो बॉर्डर आपको नजर आ रहे हैं ये भी इस तरह नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड के पास यहां पर ये देखिए ये आपके पास बन जाते हैं क्रेस्ट सेल्स, और ये क्रेस्ट सेल्स बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। सो देखिए, ये आपके पास एक्टोडर्म, इसके नीचे है मेसोडर्म। तो देखिए इसने क्या बना दिया? नोटोकॉर्ड, और ये जो रेड लाइन रहते हैं बॉर्डर, ये क्या बना देंगे? ये क्रेस्ट सेल्स को बना देंगे। अब नोटोकॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जिसमें स्पाइनल कार्ड आ जाएगा और ब्रेन आ जाएगा, और ये इससे अलग हो जाएंगे, और साथ में क्रेस्ट सेल्स भी अलग हो जाएंगे, और ये एक्टोडर्म वैसे के वैसे रह जाएगा। सो एक्टोडर्म रह गया, नोटोकॉर्ड बना जिससे बाद में स्पाइनल कार्ड, और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का ये वाला पोर्शन है ये बाद में जो है ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा स्पाइनल कार्ड, और इसका अपर वाला पोर्शन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन बन जाएगा। ये क्रेस्ट सेल्स जो कि बॉर्डर से बन गए थे, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। कीप इन द माइंड, नर्वस सिस्टम बनाने वाली नोटोकॉर्ड बनाने का प्लेन जो है, यानी नोटोकॉर्ड जो बनाता है ये सिर्फ एक्टोडर्म बनाता है, मीजोडर्म या एंडोडर्म इसमें उसका कोई रोल नहीं है। होप सो आपने न्यूरोलेशन को समझ लिया होगा।